अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इफ्तिखार शिराज़ी डॉन न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे खुश आमदेद। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने चीफ जस्टिस काजी फैसल की सरबराही में ताहियात नाहली से मुतालिक एक फैसला तो दिया है, अब वो पब्लिक डोमेन में आ गया है, तो क्यों ना उस फैसले को लेकर थोड़ा सा इसका एनालिसिस किया जाए। नाज़रीन, इसमें कुछ हैरान कन बातें हैं जो आपके सामने रखना बड़ा ज़रूरी है। एक तो ये है कि ये वही सुप्रीम कोर्ट है और ये वही चीफ जस्टिस साहब हैं कि जिनके सरबराही में एक तरफ तो इलेक्शन एक्ट के अंदर जो तरामीम है उनको तस्लीम नहीं किया जा रहा, गोया कि जब पीडीएम की 16 माह की हुकूमत ने इलेक्शन की तारीख देने से मुतालिक सदर के इख्तियारात को ख़त्म किया तो इलेक्शन की तारीख देने से मुतालिक मामला जब सुप्रीम कोर्ट में आया तो उस वक्त इन तरामीम को तस्लीम नहीं किया गया क्योंकि सादा अक्सरियत से हुई थी और सुप्रीम कोर्ट का ख्याल यह है कि आइन के अंदर कोई भी तरामीम दो तरह अक्सरियत से होनी चाहिए। लिहाजा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यह हुक्म दिया गया कि जाए और जाके सदर पाकिस्तान से एक मीनिंगफुल कंसल्टेशन के बाद इलेक्शन की तारीख दे और फिर इलेक्शन कमीशन को ऐसा करना भी पड़ा। लेकिन बड़ी हैरान कन बात है कि यहां पर भी ताहियात नाहली से मुतालिक जो कानून है ये पीडीएम की सरकार ने सादा अक्सरियत इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम करके मंजूर किया, गोया कि जो 621F के तहत नाहली थी उसको ताहियात से कम करके 5 साल किया गया। और जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो फाजिजा साहब ने इस एक्ट को शायद दुरुस्त तस्लीम किया और फिर इस दौरान जो समीउल्लाह खान केस है उसको क्वैश किया गया, एक तरह से कालादम करार दिया गया 2018 में जो इसी सुप्रीम कोर्ट ने दिया था जिसमें 621F के तहत जो नाहली है उसको डिफाइन किया गया था ताहियात। लेकिन क्योंकि जारी सी बात है नवाज शरीफ साहब को यहाँ पे सियासी फायदा मिलना था तो एक तो यह है कि इस केस को तरजीही बुनियादों पे सुना भी गया और साथ में यह है कि यहाँ पे जो इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम हुई थी उसको एक तरह से अपहोल्ड किया गया। और ये बड़ी एक अजीब बात है, इससे पहले कुछ की नज़ीर मिलती नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट के अंदर तरमीम को जो आइन की क्लॉजेज हैं जो शिके हैं उनसे ज़्यादा फोकियत दी हो। और साथ में एक और जीव नज़ीर कायम हुई है नाज़रीन, वो ये कि पहली बार ऐसा हुआ है कि एक लार्जर बेंच जो सुप्रीम कोर्ट का किसी केस के ऊपर एक फैसला दे के जाए और मोर इम्पोर्टेंटली आइन की तशरीह करके जाए, यहाँ पे आइन के इस आर्टिकल के 621F की दूसरी बार तशरीह हुई है और वो भी 180 पे एक तरह से शिफ्ट हमें देखने को मिला है। एक लार्जर बेंच ये तशरीह करके जा रहा है कि ये जो नाहली है वो ताहियात है, लेकिन जो दूसरा बेंच बैठता है वो ये फरमा रहा है कि ये ताहियात नाहली नहीं होनी चाहिए। और काजी फैजल साहब ने जब ये केस सुना है उसके दौरान उन्होंने ये भी बड़े अगरचे सवालात उठाए हैं कि क्या ये आमिर अमराना दौर का दिया हुआ एक कानून है और क्या जर्नैल और आमिर भी अपने लिए कोई अहलियत का मैार सादिक अमीन का रखते कि नहीं रखते, लेकिन वो शायद भूल गए थे कि 18वीं तरमीम में जब इस सारे मामले को देखा गया और 73 का आइन दोबारा बहाल किया गया पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में 2008 से 2013 तक, उस दौरान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो वाहिद जमात थी कि जो 62 और 63 के जो दफात हैं उनको आइन में रखने के लिए पुरजोर मुतालबा करती रही और बिलाखिर उसको बाकी भी रखा, जबकि पीपल्स पार्टी ANP और दीगर जो प्रोग्रेसिव जमातें हैं वो ये समझती थी कि इन क्लाजेज को आइन से उठा के बाहर फेंकना चाहिए। लेकिन आज क्योंकि इन क्लाजेज का नुकसान इन इतलाक का नवाज शरीफ साहब को हो रहा था तो इनको बाहर निकाल के फेंक दिया गया। और एक जो और बात हुई है नाज़रीन वो ये कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक नया एक तरह से गेट ओपन कर दिया, वो गेट ये ओपन किया है कि अब कोई भी सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि फाजिजा साहब ने भी जाना है एक दिन, उसके बाद एक नए चीफ जस्टिस साहब आएंगे, तो जब वो आएंगे और अगर उनके सामने कोई केस इस तरह का आता है और इस तरह का सवाल उठाया जाता है तो अब एक नई नज़ीर कायम हो चुकी है कि कोई भी आईनी सवाल कि जिसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने गर्चे दे भी दिया हो, आइन की तशरीह कर भी दी हो, तो वो तशरीह अब एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार नहीं, बल्कि 10 बार तक भी हो सकती है। तो हो सकता है कि कल की सुप्रीम कोर्ट जब बैठे तो जो आज फाइजा साहब ने तशरीह की है शायद वो इसके बिल्कुल बरक्स तशरीह करे और हो सकता है कि दोबारा से ये जो ताहियात नहली है वो बहाल हो जाए। यहाँ पे नाज़रीन जस्टिस याह्या अफरीदी साहब का जो इख्तलाफी नोट है मेरी दानस ने वो भी इसी तरफ निशानदेही कर रहा है जो बता रहा है कि
उनके ख्याल में जो इससे पहले तशरीह की गई थी 621F की वो बिल्कुल दुरुस्त थी और जो आज आर्गूमेंट दिए गए हैं उनके ख्याल में वो दुरुस्त नहीं है। तो मेरा ख्याल में हम अब समझते हैं कि आने वाले वक्त में ये पेंडोरा बॉक्स अभी खत्म नहीं हुआ बल्कि इसकी शुरुआत है। तो हो सकता है कि मुस्तकबिल करीब में कोई एक नई इसी तरह की दरख्वास्त है जिसके ऊपर हमें एक नया फैसला देखने को मिले। आज तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।